मुंबई के कांग्रेस भवन पर युवा कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष गणेश कुमार जी द्वारा उनके कार्यालय पर गुजरात सेल के लिए कार्यालय दिए जाने पर उनके कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला। इस दौरान मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश कुमार जी का कहना था कि देखिए हमारी पार्टी के कुछ इंटरनल बातें हैं जो मैं ऐसे जनरल पब्लिक में नहीं बोलना चाहता। जो भी हमारे डिफरेंसेस थी या जो भी कुछ डिफरेंस है वो हर फैमिली में कुछ ना कुछ रहता है, वो हमने शॉर्ट आउट कर लिया है। हमारी इच्छा थी कि हमको बड़ा जगह हमको मिले कि हम काम कर पाए बेहतर तरीके से, और आने वाले 2019 के चुनाव में हम राहुल जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना पाए। हम सब एक ही परिवार के लोग हैं और हम सब एक ही परिवार के लोग होने के कारण हमारे जो भी डिफरेंसेस थे हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर लिया है। और आज का जो ये ऑफिस का गुजराती सेल का उन्होंने कहा था कि हम उद्घाटन करेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। और मुंबई के गुजराती मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं और कांग्रेस को ही ये टाइम वोट करेंगे, तो हम भी उनको साथ देना चाहते हैं। बट ये जो ऑफिस कार्यालय है वो हमको ऑलरेडी मुंबई कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हमको ये दे देंगे, और जो अंदर इसके पीछे एक कंस्ट्रक्शन मेट्रो के शुरू होने के वजह से जो गोडाउन जैसे अंदर कर दिया था उसको भी वो शिफ्ट कर देंगे और उसको अच्छे से बना के देंगे करके हमको बोल दिया है। आज गुजराती सेल की उद्घाटन है, हमारे गुजराती भाई हारे हैं, हम यूथ कांग्रेस होने के नाते हम भी उन पार्टी को मजबूत करने के लिए उनका साथ देंगे। बट तुरंत ही हमको ये ऑफिस इमीडिएटली हमको दिया जाएगा, ये निर्णय हो गया है। और हमारी कोई नाराज़गी हमारे फैमिली मेंबर से हो नहीं सकती है, हम हमारी थोड़ी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, बट देन गुजराती सेल को कहाँ दिया जाएगा ऑफिस? देखिए अभी वो उन्होंने निर्णय लिया है कि यहाँ पे यूथ कांग्रेस को दिया जाएगा, गुजराती सेल को इसी प्रीमाइसिस में MRCC के अंदर कहीं भी दिया जाएगा। तो आज जो उद्घाटन होना था वो कैंसिल हो गया यहाँ पर? नहीं देखिए कैंसिल नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि हमारे गुजराती भाई ऑलरेडी आ गए हैं, वो हमारे साथी है वो, और हमारे साथ ही खड़े रहेंगे, हम भी उनके साथ में खड़े रहेंगे, बट ये ऑफिस हमको दे दिया गया ये मैं जानता हूँ। इसी प्रकार मुंबई प्रदेश युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिषेक मिश्री जी का कहना था कि ऑफिस बेसिकली देखा जाएगा तो हमारा ही है, काफी सालों से ये यूथ कांग्रेस का ऑफिस ही वही एलोकेट किया था। ऑफिस में 4 कैबिन्स थे और बाजू में ओपन स्पेस भी था, वहाँ पे हम स्टोरेज सब बना के रखा था, लेकिन अदरवाइज देखा जाएगा तो ये ऑफिस यूथ कांग्रेस का ही ऑफिस है और यूथ कांग्रेस ने काफ़ी टाइम से ही डिसाइड करके रखा था। आज हम एक गणेश हवन करेंगे, 2019 में इलेक्शन का आगाज़ जैसे आप जानते हो चुका है, तो हम भी श्री गणेश करने के लिए आज का दिन ही डिसाइड किया था और जल्द से जल्द हम यहाँ अलग अलग तरीके से काम चालू करेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, ऐसा यूथ कांग्रेस में भी और विंग्स है, कोऑर्डिनेटर्स है, मीडिया कोऑर्डिनेटर्स है, हमारे राघवेंद्र शुक्ला जी जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं नए नए नियुक्त हुए हैं, तो ऐसे हमको भी वेरियस तरीके से काम चालू करना है। 2019 में हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाकर ही रहेंगे, ऐसे हमने ठान लिया। ऐसे जैसे हमारे साथ हमारे मुंबई यूथ कांग्रेस के हमारे बड़े भाई अध्यक्ष गणेश कुमार यादव जी ने जैसे पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये ऑफिस यूथ कांग्रेस का ही ऑफिस था और रहेगा, और यूथ कांग्रेस के काम काफ़ी जोरों शोरों से आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगा। कैमरामैन संदेश के साथ सुचिता कामले, SCN TV न्यूज़ मुंबई।